इस वक्त हम जो शहीदी मज़ार का जो चौक है यहाँ पर, हमने आपको सुबह एक वीडियो दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर PHE की पाइप जो है वो टूटी हुई है और उससे जो है वो पानी निकल रहा है और जो लोग हैं वो परेशान हैं और यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पर हादसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर PHE डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो रिपेयरमेंट का काम जो है वो शुरू हो गया है और आप देख सकते हो यहाँ पर जो लेबर है और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और जो ये पानी लीकेज हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लीकेज हो रही है यहाँ पर पानी की। हमने देखा है कि बस स्टैंड के बाहर भी जो है वो इसी तरह की लीकेज मिली है हमें, ITI के बाहर वहाँ पर भी जो है वो रिपेयरमेंट का काम चल रहा है। इसी के अलावा हमें बाद में जो है यहाँ से भी मैसेजेस आ रहे थे जो सरकूट का जो फॉरेस्ट दफ्तर है उसके बाहर का जो एरिया है वहाँ पर भी पानी की लीकेज है, जबकि जो TRC के बाहर है वहाँ पर भी है। मल्टीपल जगहों से जो है वो हमें खबरें मिल रही है और मैं बता दूं कि पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से टायर ट्यूब से जो है वो पाइप को जो है वो प्लग इन किया गया था, जबकि लाखों की मालियत के जो है वो फंड्स आते हैं डिपार्टमेंट में रिपेयरमेंट के लिए, जो PHE की पाइपें डैमेज होती हैं या कहीं लीकेज होती है उसको ठीक करने के लिए, लेकिन वो फंड्स कहाँ जाती है वो एक डिफरेंट इशू है। और इस वक्त मैं एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो शुक्रगुजार हूँ मैं और किश्तवाड़ के लोग कि उन्होंने इस चीज़ को जो है वो सीरियसली लेते हुए जो है वो यहाँ पर रिपेयरमेंट का काम जो है वो शुरू किया हुआ है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो लेबर्स हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है पाइप जो है वो पूरी एक तरह से जो है वो काफ़ी डैमेज है, तभी जाकर जो है वो इतना पानी जो है वो यहाँ से जो है वो निकलता था। तकरीबन 2 से 3 इंच के करीब पानी की जो है वो लीकेज है और किश्तवाड़ के डिफरेंट एरिया से जो है वो बताया जा रहा है कि वहाँ पर उनको जो है वो पानी नहीं है। कुछ लोग लिख रहे थे कि नाइगढ़ की जो सप्लाई स्कीम है उसको कुछ डैमेज हुआ है, कुछ बोल रहे हैं कि लिफ्ट जो है वो नहीं चल रही है। आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल जगह पर जो है वो लीकेज है, अभी एक जगह जो है उसको देखा जा रहा है। आप पीछे भी जो है वो देख सकते हो यहाँ पर जो यहाँ पर जो है वो लीकेज की वजह से जो है वो कितना बड़ा गड्ढा बन गया है। यहाँ पर जो ये ओवरहेड ब्रिज है इसके ठीक नीचे जो है वो यहाँ पर देखिए ये जो शहीदी मज़ार का जो चौक है आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से जो है वो ये पूरा जो है एक तरह से जो है वो गड्ढा बन गया है। यहाँ पर जो इस पर बजरी डाली थी, मिट्टी डाली थी, कोशिश की थी कि इसको जो है वो भर दिया जाए। और जैसे कि मैं बता दूं कि मैं लगातार बता रहा हूँ कि ये नेशनल हाईवे 244 का हिस्सा है और म्यूनसिपल्टी के लोग जो है आगे चलकर इसी रास्ते पर जो है वो टोल भी लेते हैं, जो हालांकि वो इलीगल है। अब जब ड्राइवर हजरात खुद देते हैं, मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि उसको जो है वो बंद किया जाए, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ बंद करने की। अगर किसी को कोई एग्रीव्ड है वो जाकर कोर्ट में जा सकते हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों से जो है वो इशू भी जो है वो टेकअप कर सकते हैं। और अगर म्यूनसिपल्टी यहाँ से टोल ले रही है तो म्यूनसिपल्टी को भी जो है वो चाहिए इस तरफ देखना और उनको भी जो है ये रोड्स रिपेयर करने की फिर ज़रूरत है, क्योंकि जो पैसा जो है वो एक तो कैश लिया जाता है जो इलीगल है। हम चाहेंगे कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट अब इशू किया जाए उसमें ये क्लॉज रखी जाए कि जो कैश जो जमा किया जा रहा है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो ऑनलाइन होनी चाहिए जिस गाड़ी से भी जो है वो टोल लिया जाएगा। इस वक्त यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं PHE डिपार्टमेंट के लोग और इसको रिपेयर कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अब इसको पूरी अच्छी तरह से जो है वो ठीक किया जाएगा और फिर दोबारा जो है वो यहाँ पर इसी तरह की लीकेज और डैमेज जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एरिया जो है वो काफ़ी कंजस्टेड एरिया है। यहाँ पर बॉयज़ स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, जो प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं यहाँ पर, कॉलेज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पर, और काफ़ी रश रहता है गाड़ियों का सुबह यहाँ पर, और मोटरसाइकिल पर बच्चे आते हैं, कॉलेज आते हैं, स्कूटीज़ पर जो है वो बच्चियाँ आती हैं। तो ये जो जगह है उनके लिए एक तरह से मैं कहूँगा कि वो एक डेंजरस सपाट है। यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो गड्ढे हैं, इनमें कभी भी कोई भी जो है वो गिर सकता है। और हमने देखा था कि पॉट होल्स की वजह से जो है वो कितनी जो है वो मौतें डिफरेंट डिफरेंट जगहों से होती हैं और वहाँ से जो है वो रिपोर्ट मिलती है। जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूँ
कि ये PHEs की पाइपें जो है वो लीकेज है, कई जगह पर जो है वो लीकेज है। यहाँ पर PHE के एम्प्लॉयज़ जो है वो अब यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो जो ITI के बाहर था वहाँ पर भी जो उसको भी रिपेयर किया जा रहा है, उसको भी वहाँ पर जो है वो खोदा गया हुआ है। और हम उम्मीद रखेंगे कि ये जो लीकेजेस है इनको वंस फॉर ऑल जो है वो एड्रेस किया जाएगा। आप देख सकते हो कि मैन्युअली जो है वो यहाँ पर काम किया जा रहा है और जो लाखों की फंड्स जो आती है उसको जो है वो देखने की ज़रूरत है कि वो कहाँ यूटिलाइज होती है। और हम चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन उस पर जो है वो इंक्वायरी भी करे। और इस वक्त हम आपको ये विजुअल दिखा रहे हैं और ये काम अभी जारी है, इसको काफ़ी टाइम लगेगा। हम इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लोज करेंगे कि इस इशू को जो है वो वंस फॉर ऑल जो है वो एड्रेस किया जाएगा और PHE डिपार्टमेंट जो है इसको सीरियसली लेगा और इसके बाद नेशनल हाईवे वाले जो है इसको ब्लैक टॉप भी करे ताकि यहाँ पर किसी तरह का हादसा ना हो। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।